हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे DIY मिरर मंडाला आर्ट। इस आर्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए कलर्स, कार्डबोर्ड, सीजर, ग्लू, ब्रश। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड के बीच वाले पार्ट में अच्छे से ग्लू लगाएंगे। इस ग्लू को हमें चारों तरफ से लगाना है जिससे अच्छे से ये पूरी तरीके लग जाए। फिर हम इसमें अपने मिरर को पेस्ट करेंगे। मिरर को भी अच्छे से दबा के लगाना है जिससे कि मिरर भी अच्छे से पेस्ट हो जाए, और इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए देना है। मिरर फिक्स करने के बाद इसके एजेस पे मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाकर मैं यहाँ पर इसके फ्रेम को फिक्स करूँगी, और एक फ्रेम फिक्स करने के बाद जो हमारा मिरर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगेन यहाँ पर मैं एजेस पे ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ पर आप मॉड पॉज का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने फेविकोल के साथ एक पानी के साथ इसका सोल्यूशन बनाया है और वो यूज़ कर रही हूँ। न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसेस को कट करके इसे हम फेविकोल के सोल्यूशन की हेल्प के साथ चारों तरफ फिक्स करेंगे। इसको अच्छे से चारों तरफ फिक्स करना है। हमें न्यूज़पेपर के टुकड़ों को लगाना है जैसे कि एक फ्रेम बन जाए और एक हमें थिक फ्रेम मिले। ये प्रोसेस हम पूरे फ्रेम के साथ करेंगे। मिरर वाले पार्ट को हम कुछ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैं ये न्यूज़पेपर के पीसेस इस फ्रेम के चारों तरफ फिक्स कर रही हूँ। फिक्स करने के बाद जो हमारा मिरर है वो कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा। इसे हमें 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए छोड़ना है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक पेंट लेकर के मिरर के एजेस पे पेंट कर रही हूँ जैसे कि ये कुछ ऐसे दिखे कि मैंने इसका कुछ फ्रेम तैयार किया है। और ये कलर हमें पूरे फ्रेम में चारों तरफ करना है मिरर पार्ट को छोड़ करके। और फ्रेंड्स, अगर आपके मिरर में थोड़ा सा कलर लग भी जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली ग्लास क्लीनर से छूट जाएगा। आप क्लीन कर सकते हो ग्लास क्लीनर की हेल्प के साथ। अब मैं यहाँ पर मंडाला आर्ट का डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ किया है। ये कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोजेंटा एंड वाइट से को मिक्स करके ये कलर बनाया है। मैंने यहाँ पर ये कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर डॉट्स डाल रही हूँ। डॉट्स डाल करके ये एक बॉर्डर सा बना रही हूँ इसमें चारों तरफ। अब मैं इसका जो बीच का पार्ट है उसमें डिज़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने सेम एक्रेलिक पेंट्स लिए हैं। मैंने इस तरीके का डिज़ाइन चूज़ किया है। आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं। छोटे डॉट्स डालने हो तो आप छोटे बना सकते हैं, बड़े डॉट्स के साथ बनाने हैं तो बड़े डॉट्स के साथ बना सकते हैं। और डॉट्स डालने के लिए यहाँ पर मैंने ईयरबड का यूज़ किया है। ये
ये डिज़ाइन हम चारों तरफ करेंगे, ये प्रोसेस को मिरर के बॉर्डर में चारों तरफ फॉलो करेंगे। आप फ्रेंड्स डिज़ाइन अपनी पसंद का ले सकते हैं। तरफ का डिजाइन देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स अगर डॉट्स थोड़े इधर उधर भी हो जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉट्स के साथ जो कंप्लीट लुक आता है वो बहुत ही सुंदर आता है। ये मिरर देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा जब इसका फाइनल लुक होगा।